नमस्कार व्यूअर्स, आज हम पानी का इम्पोर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ और यह पानी हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है और इसमें से कितना पानी हम पीने लायक या हमारे डेली एक्टिविटीज़ करने लायक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो हमें स्कूल में ही सिखाई गई है, लेकिन इसे रिपीट करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे हमें पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। नंबर वन, क्या आपको मालूम है आवर बॉडी कंटेन्स 60-80% ऑफ वाटर। नंबर टू, जल ही जीवन है, इट मीन्स नो वाटर नो लाइफ ऑन अर्थ। यह दो सेंटेंस से ही हमें पता चलता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं यह पानी हमारे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है। यह भी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर भी हम इसे रिपीट करते हैं। नंबर वन, क्या आपको पता है 71% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। क्या आपको पता है 96% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन एंटायर अर्थ इज ए सी वाटर। मतलब 96% पानी जो हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल है वो समंदर के खारे पानी के रूप में है, जिसे हम पीने या डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, और बाकी बचा हुआ 4% वो फ्रेश वाटर है, पोटेबल वाटर है। यह 4% भी हमारे लिए डायरेक्ट मतलब नहीं है, इसमें से ज़्यादातर हिस्सा सॉलिड स्टेज यानी कि बर्फ के रूप में नॉर्थ और साउथ पोल में स्टोर्ड है, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। इससे हमें पता चलता है पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं यह पानी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है। नंबर वन, अबाउ द ग्राउंड, सो यह पानी जमीन के ऊपर वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, लेक्स के रूप में अवेलेबल है। और नंबर टू, दैट इज बिलो द ग्राउंड, यहाँ पर पानी हमें परमेबल मीडिया में से हम एक्वीफायर करते हैं, इसमें स्टोर्ड है। यदि हम इस पानी को यूज़ करना चाहते हैं तो हम डीप वेल्स या बोरवेल्स ड्रिल करके इससे पानी हम प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर थ्री, दैट इज़ इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में भी पानी अवेलेबल है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यह तीन जगह है जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। यह तो हो गए इम्पोर्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हम आते हैं बहुत ही सीरियस इश्यू, दैट इज़ कौन से रीजन्स है जिससे हमें पानी की प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है। चलो जानते हैं कौन से प्रॉब्लम्स है। नंबर वन, दैट इज़ पॉपुलेशन। क्या आपको मालूम है हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 750 करोड़ प्लस हो चुका है और यह दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है। सो वी रिक्वायर ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू सेटिस्फाइड देयर बेसिक नीड्स, और यह वाटर रिक्वायरमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। एंड नंबर टू, दैट इज आवर लिविंग स्टैंडर्ड, आवर लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो इम्प्रूव्स एंड वी रिक्वायर ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर टू सेटिस्फाइड आवर डेली नीड्स। आप 10 साल पहले वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे और आज का वाटर रिक्वायरमेंट्स पर पर्सन पर डे कंपेयर कर सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स कितनी बढ़ चुकी है। अब हम आते हैं नंबर थ्री, द
दैट इज वन ऑफ द सीरियस इश्यू दैट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर बॉडीज इन शॉर्ट पॉल्यूशन इन रिवर. ये बहुत ही सीरियस इश्यू है. चलो जानते हैं इसके रीजंस पॉल्यूशन होने के. ये कहाँ कहाँ पर ज़्यादा देखने मिलती है. जनरली वी फाइंड इन अनप्लान्ड रैपिडली डेवलप्ड एरियाज या फिर डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सिटीज. दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोसेस वेस्ट वाटर डिस्पोजल. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आप एक अर्बन सिटीज में रहते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ है और हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स पर पर्सन पर डे हम सबको मालूम है. इट इज़ अराउंड 70 to 110 liters पर डे. दिस इज नॉर्मल स्टैंडर्ड. कंसिडर करते हैं 70 liters पर डे. इन शॉर्ट 1 person रिक्वायर्स अप्रॉक्सीमेटली 70 liters ऑफ वाटर टू सेटिस्फाइड हिज बेसिक नीड्स. सो लेट अस टेक इट आउट ऑफ 70 liters वी जनरेट अराउंड 40 liters. यदि आप क्लोथ वॉशिंग टॉयलेट फ्लशिंग और बाथ भी काउंट करेंगे तो कम से कम 50 liters तो वेस्ट वाटर जनरेट हो ही जाता है. और इसकी टोटल क्वांटिटी हम यदि काउंट करेंगे सो दैट विल गो अप टू 40 into 1 crore दैट इज 40 crore liters पर डे. यह वेस्ट वाटर जनरेट होता है एक अर्बन सिटी में. अभी हमने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का तो वेस्ट वाटर काउंट ही नहीं किया. इतनी बड़ी मात्रा में वेस्ट वाटर को प्रोसेस करने के लिए वी रिक्वायर ए वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी. और यह मात्रा दिन बर दिन बढ़ती जा रही है. और यह प्रॉब्लम हमारे देश में ही नहीं, इट इज़ एवरीवेयर एंटायर वर्ल्ड. वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट वाटर पोल्यूशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हमें भविष्य में वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है. और इसकी शुरुआत तो हो चुकी है. फॉर एग्ज़ाम्पल योर ड्रिंकिंग वाटर. हम ज़्यादातर पानी प्रोसेस्ड या फिल्टर पानी यूज़ करते हैं. इन शॉर्ट हमारे पास लिमिटेड फ्रेश वाटर रिजर्व्स अवेलेबल है जो हमारी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में से पास हो सके. तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं वाटर पोल्यूशन किस हद तक पहुँच चुका है. इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा. और इस वीडियो में इतना ही. आई होप यू लाइक अवर डिस्कशन. नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिस्कशन करेंगे. यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप नीचे दिए हुए लिंक से उसे रिफ़र कर सकते हैं. और यह प्रोग्राम हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम का एक भाग है. हमारा इंटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पानी का इम्पोर्टेंस जानें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें जिससे हमारा वाटर सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम बना रहे. यदि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.